सो गाइस, हमारे हर वीडियोस पे सब्सक्राइबर का गिव अवे किया जाता है, साथ में दो तरीके से चैनल को भी प्रमोशन किया जाता है। अगर आपको प्रमोशन का रूल नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो और प्रमोशन में पार्टिसिपेट हो सकते हो और आप अच्छे खासे सब्सक्राइबर यहाँ से जीत सकते हो। सो गाइस, इस वीडियो में जो तरीका बताने वाले हैं, अगर आप इस तरीके को अप्लाई करते हो तो आप एक दिन में 100 से 150 सब्सक्राइबर तक बढ़ा लोगे। जी हाँ गाइस, एक दिन में 100 से 150 सब्सक्राइबर तक आप बढ़ा लोगे। और चाहे आप कोई भी एप्लीकेशन से बढ़ाओ, या तो सब फॉर सब करो या फिर कुछ भी करो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपका एक भी सब्सक्राइबर नहीं घटने वाला है। यानी कि अगर आप 102 सब्सक्राइबर बढ़ाए तो आप अगर 5 दिन बाद चेक करते हो तो 102 ही रहेगा, उसमें एक भी सब्सक्राइबर आपका नहीं घटने वाला है। तो ये बहुत ही जेन्युइन तरीका बताने वाले हैं और मैं आप लोगों को लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले अपने एक सेकंड चैनल पे ये तरीका को अप्लाई किया था और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिला है। उसमें मेरा तकरीबन 1100 से ऊपर सब्सक्राइबर है, जो कि मैंने टोटल 1200 सब्सक्राइबर को वहाँ से बढ़ाया था, बट वहाँ से लगभग 15 या 20 सब्सक्राइबर मेरा डिक्रीज़ हुआ है। तो गाइस, आप समझ सकते हैं, अगर मैंने 1200 सब्सक्राइबर इंक्रीज़ किए थे, वहाँ से बढ़ाए थे, तो मात्र 20 से 15 सब्सक्राइबर डिक्रीज़ हुआ है। तो समझ सकते हो कितने अच्छे तरीके से ये काम करता है। सो गाइस, इस वीडियो में आपको पूरा तरीका बताएंगे कि आपको क्या क्या प्रोसेस को अप्लाई करना है, ताकि आप कितने भी सब्सक्राइबर को कहीं से भी बढ़ाए, चाहे सब फॉर सब करो या तो कोई भी एप्लीकेशन से बढ़ाओ, बट आपका एक भी सब्सक्राइबर नहीं घटने वाला है। सो गाइस, इसके लिए आपको वीडियो से लास्ट तक बने रहना होगा और वीडियो को पूरा वॉच करना होगा, क्योंकि अगर आप कोई भी स्टेप को मिस करते हो तो आप बिल्कुल भी ये तरीके को अप्लाई नहीं कर पाओगे और फिर से आपका वही सब्सक्राइबर घटना स्टार्ट हो जाएगा। सो गाइस, वीडियो को लास्ट तक पूरा कंप्लीटली देख लेना, तब जाके आप इस तरीके को अप्लाई करना, आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। सो गाइस, प्रमोशन के विनर वीडियो के एंड में बता दिया जाएगा, तो इससे पहले हम अपने वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, क्योंकि आपको यहाँ पे इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिलती रहती है। सो गाइस, बिना देर के चलते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे और आपको दिखाते हैं कि वो कौन सा तरीका है और आपको कैसे करके इसको अप्लाई करना है और आप कैसे बहुत ही आसानी से हर रोज़ 100 से 200 सब्सक्राइबर इंक्रीज़ कर सकते हैं। सो गाइस, इससे पहले मैं आप लोगों को लाइव प्रूफ दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं साइड में स्क्रीन शॉट शो हो रहा होगा, ये मैंने गेमिंग चैनल ओपन किया था जो कि ओनली नूब जोन नाम से है। यहाँ पे देख सकते हैं इसमें तकरीबन 1180 से ऊपर सब्सक्राइबर है। टोटल मैंने 1200 सब्सक्राइबर बढ़ाए थे, बट यहाँ से मेरे लगभग 20 सब्सक्राइबर डिक्रीज़ हो गए हैं। तो आप समझ सकते हो मेरा मात्र 20 सब्सक्राइबर ही डिक्रीज़ हुए हैं। अगर आप 500 सब्सक्राइबर बढ़ाओगे तो आपका मात्र 10-15 इसी प्रकार से सब्सक्राइबर डिक्रीज़ होगा, तो इससे कोई भी दिक्कत नहीं है, ऐसे तो लोग अनसब्सक्राइब भी कर देते हैं। सो गाइस, मेरे बताए हुए अगर आप प्रोसेस को अप्लाई करोगे तो आपको भी इसी तरह से अच्छा रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। सो गाइस, वीडियो को लास्ट तक कम्प्लीटली ज़रूर देखना। सो गाइस, चलते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे। सो गाइस, यहाँ पे हम आ चुके हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे और मैं सबसे पहले आप लोग को प्रूफ दिखा दूंगा, ताकि 100% गारंटी हो जाए कि ये बिल्कुल जेन्युइन तरीका है और मैंने यहाँ से सब्सक्राइबर इंक्रीज़ किया हूँ, उसके बाद ये वीडियो को बना रहा हूँ। हालांकि मैंने पहले ये टेस्ट किया था, उसके बाद आप वीडियो बना रहा हूँ। सो गाइस, चलते हैं अपने YT स्टूडियो पे और यहाँ पर देख सकते हैं मैं YT स्टूडियो को ओपन कर लिया हूँ। फिर यहाँ पे अपना जो सब्सक्राइबर वाले ऑप्शन पे आ चुका हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे जो लास्ट 28 दिन दिख रहा है इसको चलिए यहाँ से हम बढ़ा देते हैं, लास्ट 365 दिन कर देते हैं। सो गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं मेरा एक ही एरो बनाया, यानी कि एक ही ग्राफ यहाँ पे बनाया, जो कि मैंने 2-4 दिन में इतना सब्सक्राइबर इंक्रीज़ किया था, बट वहाँ से 2-4 सब्सक्राइबर ही डिक्रीज़ हुआ है, बाकी एक भी सब्सक्राइबर डिक्रीज़ नहीं हुआ है। यहाँ पे मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। सो गाइस, चलिए यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि मेरा 5 फरवरी को 293 सब्सक्राइबर इंक्रीज़ हुआ था, उसके बाद थोड़ा इधर करके दिखा देते हैं, 4 फरवरी को 655 सब्सक्राइबर को मैंने इंक्रीज़ किया था। सो गाइस, चलिए अब दिखाता हूँ कि आपको कौन से तरीके को अप्लाई करना है और आप भी इतना सब्सक्राइबर को इंक्रीज़ करोगे जो कि आपका एक भी सब्सक्राइबर डिक्रीज़ नहीं होने वाला है। अगर कोई बंदा आपको अनसब्सक्राइब कर दे तो वो अलग बात है, बट ऐसे बिल्कुल भी आपका सब्सक्राइबर डिक्रीज़ के चांस नहीं रहेगा। हालांकि 100 में से 1-2% रहेगा जो कि आपका सब्सक्राइबर घट सकता है, बट ऐसे तो चांस बहुत ही कम है। सो गाइस, फाइनली चलिए दिखाते हैं कि आपको कैसे करके अपने इस सो गाइस चलिए फाइनली दिखाते हैं कि आपको कैसे करके कोई भी एप्लीकेशन से सब्सक्राइबर बढ़ाना है, या तो सब फॉर सब करना है जो कि आपका एक भी सब्सक्राइबर नहीं घटे। सो गाइस, सबसे पहले चलिए यहाँ से हम बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद यहाँ पर हम अपना जो YT स्टूडियो को ओपन कर लिए हैं, उसके बाद चलिए कोई भी एक वीडियो को हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे एक चीज़ को अप्लाई करना है, यहाँ पे देख सकते हैं जो एडिट का ऑप्शन दिख रहा है, आपको इस एडिट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। देन आपको यहाँ पे पब्लिश का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे देख सकते हैं, तो आपको पब्लिश वाले सेक्शन के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलेगा, पब्लिश, अनलिस्टेड, प्राइवेट, और यहाँ पे एक देख सकते हैं नीचे शेड्यूल का है, तो आपको शेड्यूल वाले को छोड़ देना है। यहाँ पे जो दिख रहा है यहाँ पे अनलिस्टेड का, तो आपको अनलिस्टेड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है।
देन आपको यहाँ से बैक आ जाना है और फिर इसको सेव कर देना है। बस आपको इतना ही करना है, ज़्यादा आपको कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है, आपको टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है, बस आपको जो पब्लिश में है उसको अनलिस्टेड कर देना है। देन आपको यहाँ पे जो शेयर वाला ऑप्शन दिख रहा है, आपको इसको शेयर वाले ऊपर क्लिक करके यहाँ से इसका लिंक को कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद आपको कोई भी प्लेटफॉर्म पे चले जाना है, आप जहाँ से सब्सक्राइबर इंक्रीज़ करना चाहते हो, चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, या तो कहीं भी अदर एप्लीकेशन जो होता है उससे सब्सक्राइबर इंक्रीज़ करना चाहते हो, तो वहाँ पे आप जा सकते हो। जाने के बाद आपको जो ये लिंक को कॉपी किए थे, आप इसी लिंक को वहाँ पे शेयर करना है और इसी लिंक से आपको सब्सक्राइबर को बढ़ाना है। यानी कि आप जो भी वीडियो को अनलिस्टेड करके अगर उसको लिंक को शेयर करते हो और वहाँ से सब्सक्राइबर बढ़ाते हो, तो यूट्यूब बिल्कुल भी वहाँ के सब्सक्राइबर को डिक्रीज़ नहीं करेगा। यानी कि आपको अपना वीडियो को अनलिस्टेड कर लेना है, फिर उसी वीडियो से आपको सब्सक्राइबर इंक्रीज़ करना है। अगर आप इस तरीके को अप्लाई करोगे तो आपका एक भी सब्सक्राइबर नहीं घटने वाला है। अगर कोई बंदा बाद में अनसब्सक्राइब कर दे तो वो अलग बात है, बट YouTube की तरफ से आपका सब्सक्राइबर बिल्कुल भी रिमूव नहीं किया जाएगा। सो गाइस फाइनली चलिए देख लेते हैं कि कल वाले वीडियो के विनर कौन हुए। तो उसके लिए चलिए यहाँ से हम अपने वीडियो के लिंक को कॉपी कर लेते हैं। सो गाइस यहाँ से हम YouTube ओपन कर लिए हैं, यहाँ से अपना वीडियो को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं, चलिए इस वीडियो के लिंक को कॉपी कर लेते हैं। यहाँ से कॉपी करने के बाद वही अपना वेबसाइट को ओपन कर लेंगे जो रैंडम कमेंट फिगर वाला वेबसाइट है। तो चलिए हम इस वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं। सो गाइस जैसे कि यहाँ पे आ चुके हैं इस वेबसाइट पे, तो यहाँ पे आने के बाद सिंपली अपने वीडियो के लिंक को यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे जो कमेंट को फिल्टर कर देते हैं, फिर यहाँ पे गेट यूट्यूब कमेंट के ऊपर क्लिक कर दिए हैं। उसके बाद यहाँ से हम स्टार्ट के ऊपर क्लिक कर देते हैं और देख लेते हैं आज की वीडियो का विनर कौन हुआ है। सो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं टेक्निकल अजमत इस्लाम ये हमारे विनर हो चुके हैं, तो इस वीडियो में इसका प्रमोशन किया जाएगा। साथ में इस भाई को 20 सब्सक्राइबर मैं अपने तरफ से गिव अवे के तौर पे दे दूंगा और उसके चैनल का लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया हूँ और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया हूँ। सो गाइस जाओ जाके सपोर्ट करो, हो सकता है कल आपकी बारी हो जाएगी। सो गाइस अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको यहाँ पे इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने को मिलती रहती है।